दोस्तों अगर आप भी युजवेंद्र चहल को एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने 19 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा तो 8 सितंबर को ही कर दी थी, लेकिन उसमें भारतीय महान स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी धनश्री का बड़ा ही भावुक बयान सामने आया। धनश्री ने चहल को टीम में जगह न मिलने पर ऐसी बात कही जिसको सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। चलिए बता दें आपको धनश्री ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि युजवेंद्र चहल को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसके लिए 8 सितंबर को 19 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की जा चुकी है और इसके साथ ही 3 खिलाड़ी स्टैंड बाय के तौर पर रखे गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम के मशहूर स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि अभी हाल ही में घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके युवा गेंदबाजों को T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए चुना गया है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जबकि भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक मैच जिता चुके युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी धनश्री का बड़ा ही भावुक बयान सामने आया जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको कि धनश्री ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल पूरी तरह से T20 वर्ल्ड कप खेलने के हकदार थे, क्योंकि उनका प्रदर्शन हमेशा से ही लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में बेहतरीन रहा है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें इस टीम में नहीं लिया गया, जिसका मुझे काफी अफसोस है, क्योंकि चहल को जब भी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला है उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम को उन्होंने कई मुकाबलों में जिताया भी है, लेकिन BCCI ने उनकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका टीम में दिया है जिनके पास अभी बाहर की पिचों पर खेलने का अनुभव भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि चहल का सिलेक्शन इस टीम में होना चाहिए था, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल के साथ BCCI ने गलत किया है। वो पूरी तरह से टीम में खेलने के दावेदार थे और अगर उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाता तो यकीनन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारतीय टीम को जीत दिलाने में पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगाते, लेकिन BCCI ने चहल को टीम में शामिल करना बेहतर नहीं समझा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि भले ही चहल को टीम में मौका ना मिला हो, भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करे और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। वैसे दोस्तों जिस तरह से युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री ने चहल को T20 वर्ल्ड कप में खिलाने की बात कही है, आप सभी को क्या लगता है कि क्या चहल को इस टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।